Oh, hey guys, welcome or welcome back to my channel. So if you're new to this channel, hi, my name is Palak Marathon and I post sex and fashion and beauty content. So if you want to be part of my family, do subscribe to my channel below. So yeah, आज की वीडियो बहुत अलग होने वाली है, मतलब जो अभी आ रही है उन वीडियो से अलग. पहले मैं ऐसा करती थी थोड़ा हेयर स्टाइल्स वगैरह. मैंने कहा कि आज भी एक हॉल वगैरह से हटके वीडियो करते हैं, क्योंकि काफ़ी मतलब 99% हॉल इन्जॉय करते हैं वीडियो, बट 100 मतलब लाइक 1% जो रह जाते हैं वो ऐसी वीडियोस एंजॉय करते हैं. तो मैंने कहा व्हाई नॉट. एंड आई एम सो सॉरी कि पिछले पिछले जब वीडियो आनी थी फ्राइडे, पिछले फ्राइडे वीडियो नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ सम इशू. बट या मेरी वीडियो बीच में कभी कभी मिस हो रही है, आई नो, बट थोड़ा सा कंटेंट इशू आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा इस टाइम. बहुत ज़्यादा आ रहा है यार इस टाइम कंटेंट. आज की वीडियो में करने वाले हम ट्राइंग न्यू हेयर स्टाइल. सो या आज की वीडियो में हम ये करने वाले हैं कि हम मतलब ना मेरे को आजकल बहुत हेयर स्टाइल की वीडियोस आ रही है और मुझे बहुत ऑब्जेशन हो गया न्यू हेयर स्टाइल से, क्योंकि मेरे हमेशा यही हेयर स्टाइल रहता है या फिर यहाँ जैसे या मतलब बस बेसिक हेयर स्टाइल्स रहते हैं मेरे. सो मैंने कहा व्हाई नॉट ट्राई करती हूँ न्यू वन, क्योंकि और ना बहुत सिंपल है, लाइक बहुत ईजी पीजी दिखा. और एक लड़की है शार्लेट इलीजी, ऐसे कुछ लीजी करके नाम है. सो मेरे को अच्छे से नाम नहीं पता, आई एम सॉरी, बट मेरे को उनके हेयर स्टाइल्स इतने पसंद आ रहे हैं, लाइक आजकल वायरल जा रही है उनकी वीडियोज. मैं पिक्चर पॉपअप कर देती हूँ. आधे से ज़्यादा हेयर स्टाइल्स मैंने इनकी टिप यूज़ करी है. सो मैंने कहा कि वाई नॉट ट्राई करूँ मैं आप लोगों के साथ, ताकि आपको भी अच्छे हेयर स्टाइल्स मिल पाए. सो या इतनी चपड़ के बाद लेट्स गेट इनटू द. मेरे को बिल्कुल धुले बाल नहीं है, लाइक ऐसा भी नहीं है कि बहुत गंदे हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत साफ है, लाइक मिड में. जब ऐसा नहीं होता हफ्ता पूरे होने वाला होता है आपको, बट अभी मेरे को 3-4 दिन है एक हफ्ता पूरा होने में मेरे बालों को धोने में. सो यह ज़्यादा गंदे नहीं है, थोड़े से हैं अच्छे में. और ड्रॉप अ ब्लू हार्ट अगर आपको मेरी हेयर केयर रूटीन चाहिए हो, क्योंकि मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए, पहले से बहुत अच्छे हो गए. सो आपके पास भी स्क्रीन पे ही आएगा हेयर स्टाइल. सो फर्स्ट हेयर स्टाइल है हमारे पास, ये बाल ऐसे पीछे करके पोनी बना के खोल के उसमें से ऐसे निकाल दिया. सो वो ना क्लॉक क्लिप वाला लुक नहीं आता जो हम ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, तो वो लुक आने वाला है. पहले हमें बेसिक पोनी बनानी है, लाइक यहाँ से नीचे वाली पोनी नहीं आती, जो ऊपर वाली पोनी नहीं. सबसे स्क्रंचीज आई है ना, मैं वो रबड़ यूज़ ही नहीं करती हूँ बिल्कुल, तो मेरे पास बहुत कम है वो रबड़. लाइक वो नहीं होती ब्लैक और वाइट जो हम स्कूल में लगाते थे, तो ऐसे मैसी सी पोनी बनानी है. उसके बाद हमें क्या करना है, इसको ऐसे खोलना है और ये नीचे से लाना है और ये नीचे से मेरे बहुत मेसी बना है, बट वेट क्या कर दिया है मेरे बालों का, थोड़ा ना ऊपर की साइड बनाने का इस वेट. ये थोड़ा उठा नहीं है जैसे उसका, बिल्कुल ऐसे उठा था ना, क्योंकि मेरी पोनी अच्छी नहीं बनी है गैस. मेरे बाल अटक गए. हम फिर से स्टार्ट करते हैं. आगे वो नहीं छोड़ी लटे, जो लटे नहीं बोलती मैम स्कूल में, लटे क्यों निकाल के लिए पलक. सो इसको हम ऐसे पीछे देते हैं लटे निकाल कर. देन हम थोड़ा सा हाई, लाइक मैंने बिल्कुल ही लो कर दी थी पोनी, थोड़ा सा हाई. पोनी बन गई है, अब इसमें देखते हैं फेस बनाना है, लाइक ऐसे और फिर गाइस मेरी पोनी बीच में रह गई. हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ. हो गया. रुको गया, थोड़ा सा मैसी है, बट वही है कि एक दो बारी के बाद हो जाएगा अच्छे से ना, जैसे सेकंड टाइम में भी इम्प्रूवमेंट है. इससे पता फ़र्क क्या है वैसे मैं बताती हूँ. एक तो पीछे ना वो ब्रेड वाली लुक आ रही है, जैसे वह हमारी नॉर्मल पोनी में वो लुक नहीं आती खा के, तो उसमें ना वो पीछे से लुक आ रही है और ना पोटी पोनी ना ऐसे खड़ी हो रखी है, मतलब ऐसे वाली हो रखी है, वो बैठ सी नहीं रही, मतलब अलग बाउंस. पर मेरे हिसाब से और ऐसे होना चाहिए था. सो आई डोंट थिंक हम इसको फेल बोलेंगे क्योंकि पास है, बट ये कि प्रैक्टिस होनी चाहिए. और पीछे का शीशा होना ज़रूरी है. इस पहले हेयर स्टाइल में मैंने क्या कर दिया, तक इस वीडियो के एंड तक मैं गंजी हो जाऊँगी शायद. पानी आ रहा है क्या, आंटी का आया कि पानी, मोटर बंद कर, पानी गिर रहा है, बगल में मोटर चला गई. सो नेक्स्ट हेयर स्टाइल में हमें सेम यहाँ से लेना, लेकिन उसमें पूरे बाल लिए थे हमने, इसमें हाफ से भी कम बाल लेने हैं.
और उसकी पोनी बना के वही सेम करना नीचे से घुमाकर और फिर तेज कर देना। और देखते हैं ये भी काम आता है कि नहीं। जिनकी मैं वीडियोस देख के बना रही हूँ ना, उनके बाल इतने सुंदर है ना, इतने सुंदर और इतने हैवी फ्लफी से बाल है ना मेरे, देख लो। क्या गिर गया मेरा पौधा, गिर गया मेरा पौधा। सो गाइस असल में वो कर लिया यू नो, हाफ पोनी ले ली, फिर से मैं पोटी कर ली, हाफ पोनी ले ली एंड इसको अब मैं टाइट करूँगी। इसमें भी सेम प्रोसेस है, लाइक इतना हो गया ना, ऐसे नीचे करना है, इतना भी नहीं करना था यार। ये क्या हो गया, हाँ ठीक तो हुआ है। मेरा भी सेम ही लग रहा है ऑलमोस्ट गाइस, ये देखो ऐसा ही तो लग रहा है। कि बाल ना बहुत फ्लफी से है, सो यू नो पूरे ऐसे भरे भरे लग रहे हैं, बट मेरे बाल काफी यू नो पतले से हैं। हाँ नहीं अच्छा लग रहा है गाइस, अच्छा लग रहा है पीछे से तो अच्छा लग रहा है। आपको समझ आ रहा है ना? नहीं अब ना मेरे को समझ आ गई मैंने पिछली बार क्या गलत करा था। मैंने पिछली बार ना रबर को टाइट नहीं करा था, टाइट की वजह से ना वो ऊपर नहीं आया था, यू नो मतलब जैसे इसको मैं जितना टाइट कर रही हूँ ना, ये उतना ऊपर का इफेक्ट दे रहा है और हैवी इफेक्ट दे रहा है बालों में। और इसका ये जो नीचे से खींचने का मतलब है ना, लाइक जो चोटी नीचे से खींचने का मतलब है लाइक घुमा के ऐसे अंदर लगे, सो उससे ना ये ऐसे फ्लफीनेस आ रही है बेसिकली, इससे ना वो फ्लफीनेस आ रही है। सो मेन मोटिव में समझ गई क्या है। तो सेकेंड हेयर स्टाइल मेरे को फर्स्ट वाले से ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो सक्सेस हुआ मेरा है। बट मेरे हिसाब से दोनों हेयर स्टाइल बहुत ईजी और बहुत सिमिलर है। लाइक आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल अपनी पोनी बनानी है और रबर बैंड को नीचे करके उसको खोल के नीचे से पोनी कर लेंगे ताकि वो आपको फ्लफी और ऊपर वाला लुक आए। यहाँ ना दर्द होने लगी मेरे इतने खींच खींच के। सो गाइस नेक्स्ट हेयर स्टाइल थोड़ा मुश्किल है पता है, मतलब ये मेरे को इतना हुआ, मैंने कहा इन हेयर स्टाइल्स में मैंने अपना बट्टागुल कर लिया। लाइक इतने ईजी हेयर स्टाइल्स थे और मैंने अपना बट्टागुल कर लिया पूरा, मेरी ये दर्द हो रहा है अब। और मैं इस हेयर स्टाइल में क्या करूँगी यू नो, मतलब इतना प्रीटी हेयर स्टाइल है मैं क्या बताऊँ। सो इसमें ना हमको क्या करना है, लाइक मुश्किल है भला कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। आगे रखनी है लाइक ये पूरी चीज आगे रखनी है, ये वाले बाल आगे करके हमें यहाँ से मतलब ना एक पोनी सी लेनी है। हाँ मतलब ये वाले बाल नहीं छेड़ने बिल्कुल भी, और मतलब ऊपर स्कैल्प से लेनी है, लाइक स्कैल्प से ऊपर वाले हेड वाले स्कैल्प से लेनी है, समझ रहे हो। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी वाइब आ रही है, मैंने सही करा है, अब तो बाकी आगे ही पता चल रहा। कोई माने ना प्लास्टिक कॉम से अच्छी वुडन कॉम है, इससे अड़क उतर देना तो इतनी दर्द होती है, खींचते हैं बाल इससे ना खींचते नहीं है। ये देखो यू कैन सी गाइस, अब इसकी हमें पोनी बनानी है और फिर उसके बाद गंजे हो जाना है क्योंकि आज हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं हमको। ठीक है अब हमने वो बना लिया हेयर स्टाइल, ओके ओके अब हमें ये निकाल के पीछे करना है, फिर इनमें वो बांधनी है। टू टफ अब हमें इसको ऐसे ले, ये कितना गंदा लग रहा है। ठीक है चंपू लग रही हूँ मैं तो, बहुत चंपू नहीं लग रही, चंपू चमेली। कहाँ गए वो बाल, अभी तो मैंने सेपरेट करे थे, मैंने थोड़ी सी लटे निकाल लेती हूँ, लटों के बिना तो चंपा चमेली लग रही हूँ मैं सच्ची में। ये देखना ये इतने से बाल बचे इसमें, क्या वो बांधू मैं रबड़। भाई आप बताओ इसे सही में मैं कैसे रबड़ बांधू। ठीक है बांध ली, ये क्या कर रही हूँ मैं, ये क्या लग रही हूँ मैं तो पहले ये बता दो मुझे। दोनों बालों में से इनको क्रिस क्रॉस करना है, एक सेकेंड इसको क्रिस क्रॉस करके इसमें से वो चुटियाँ निकालनी है। गाइज मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कुछ भी ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने क्या करा, देख लो आप खुद ही अपनी आँखों से। वैसे ही बन जाता पर ना मेरे से बन नहीं रहा, देखना यार
कमेंट्स में बताना मैंने क्या गलत कर दिया, क्योंकि बन नहीं रहा बैक टू नॉर्मल यार, क्योंकि नहीं वर्क कर रहा यार यार ये वाला अच्छा लग रहा है। मतलब वही है ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, ये ट्रायल होता है, ये अच्छा सा लग रहा है मुझे, ये लग रहा है मुझे काम आएगा। तो इसमें ना हमें क्या करना है, आगे से हमें ये वाले बाल लेने हैं, लंबे वाले, ठीक है। इनको लाइक फ्लिक्स को नहीं लेना बिल्कुल भी, लाइक इन फ्लिक्स को छोड़ दो रानी, इनको छोड़ दो। डम्बल डोर नहीं लगी, मैं डम्बल डोर ओके गाइस, फ्लिक्स टंकी भर गई, हमने क्या कर रहा ऐसे कर रहा। ये ना रबड़ बैंड अच्छा लग रहा है, ये लाइक स्ट्रेचेबल सा है, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे कर लिया, दाढ़ी वाली दाढ़ी लगी है वो बिल्कुल, रबड़ बैंड छुपा नहीं देते वो, देखो आप ऐसे, हाँ यही करा, यही 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 जो आप देख रहे हो। ओ यार खुल जाता है यार ये बार बार, यार ये हेयर स्टाइल वगैरह टफ काम है यार बहुत। हेड्स अप टू यू ना, ऐसे कर देना यू नो, इसको लटे निकाल कर मुझे तो दिख नहीं रहा भाई, आप बताना। अब मेरे को एक बार मैं ना फोन में देखती हूँ कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। पर मैंने ना फिर वो गो कर दिया मैंने इसका भी, भाई ये बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है, थम्स अप थम्स 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 अप। बट उसको ना अच्छे से तमीज से तहजीब से उसको गोल करके पीछे करना है, ताकि यू नो वो लुक आए जो दी के बालों में आ रही है। सो या ये अच्छा था हेयर स्टाइल, काफ़ी अच्छा यू नो, इससे ना बाल बिल्कुल यहाँ पे सिक्योर है, लाइक बिल्कुल अच्छे से यू नो, बहुत गर्ली गर्ली सा हेयर स्टाइल, लाइक बिल्कुल। अब नेक्स्ट हेयर स्टाइल बहुत अच्छा, लाइक बहुत अच्छा। सो इसमें क्या है, इसमें ना हमको आगे से चीर लेके सो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बनेगा। सो इसमें ना हमें यहाँ से इसे लेना है एंड इनको वो लगा देना है, हमको रबड़ लगा के छोड़ देना है ऐसे ही। देखो मैंने ऐसे पोर्शन लिया है बहुत, जिसको मुश्किल हुई है मुझे निकालने में। सो अभी हम इसको रबड़ लगा के रख देंगे। तो हमें ना यहाँ से बिल्कुल जो ये चीर जा रहा है ना, इससे ऐसे करना है, लाइक इसके बिल्कुल यहीं से ही वो लेना है। आउच यार, मैं प्लास्टिक का वो क्यों यूज़ कर लेती हूँ कंघी, ठीक है। अब हम इसको लेंगे, अब हमें इसको टाइट कर देना है। हाँ मेरे हाथ दर्द हो गए। अब हमें इसको गॉरेज, यहाँ तक समझ आएगा इस आपको, ठीक है, क्लियर हो कोई एनी डाउट। मुझे बताना मैं वो वीडियो करूँ, ट्राइंग वायरल प्रोडक्ट्स, जो मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह वायरल नहीं रखे, जैसे थोड़ा सा और रखा है ब्रेड बनाने वाली मशीन और वो क्लिपॉन्स जो इस पर लगते हैं चोटियों पे, बताना करूँ वीडियोस अगर इंटरेस्टिंग रहेंगे आपके लिए तो। कोई देख रहा होगा मुझे तो क्या ही सोचेगा, क्या ही कर रही है कैमरे के सामने, लगी पड़ी है। मैं इसको क्या था, अच्छा अब हमें इनको साथ बांध लेना है, ठीक, साथ बांध लेना है। शादी हो गई इनकी, हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी मैं इसको ऐसे करके अब हमें इसको ऐसे निकाल देना है, और उसके बाद यहाँ हमें पिन लगा लेनी, क्योंकि इसके बिना ये टाइट नहीं रहेगा, वो उन्होंने नहीं दिखाया, बट हम फिर भी समझदार हैं। इतने थोड़ा अजीब लग रहा है, नहीं मेरे हिसाब से ना इस चुटिया में गलती है। क्रिस क्रॉस करके आउच, हाँ वाओ, ये थोड़ा सा ऐसे होगा एंड आप इसको कर्ल भी कर सकते हो, बट वाओ गाइस, देखो आपके, देखो कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा मैसी है आई वुड से, हाँ मैसी तो है बट वाओ, हा 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 हा,
नहीं यार जेन्युइनली काफी अच्छा लग रहा है, जेन्युइनली काफी अच्छा लग रहा है। तो नहीं हट रही हेयर स्टाइल से काफी यू नो यूनिक प्लस इजी, इजी तो नहीं था बट आई वुड से ना बन गया मुझसे पता नहीं कैसे। गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन। और बाल धुले हो तो ज्यादा अच्छा बने क्योंकि ग्रीसी से लग रहे हैं यू नो। थम्स थम्स थम्स। अब इसको खोलना पड़ेगा, मुझे दुख हो रहा है। अब इस पिछले हेयर स्टाइल को खोलने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लाइक मुझे बस यहाँ से खोलना था और यहाँ से इजी पीजी था। बट अब हमारे पास लास्ट हेयर स्टाइल हमारा, सो हम वो ट्राई करने वाले। और मेरे को वो भी थोड़ा अच्छा लगा, मतलब सारे मेरे को हेयर स्टाइल्स अच्छे ही लग रहे हैं बट मुझ पे ही नहीं अच्छे लग रहे, एक दो को छोड़ के। सो अब हम देखते हैं क्या था, मैं भूल गई, मैंने अभी देखा। सो अभी ना इसमें हमको वैसी ही चोटी बनानी है फिर से पीछे, और फिर उसके बाद चोटी के ऊपर चोटी बना लेनी है। सो वो डबल चोटी लुक देगा। सो अभी हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से पोनी बनाएंगे। गट्स नहीं है मुझ में इतने ख़राब होने के बाद भी, मैं वो बहुत नया हेयर स्टाइल लेके आ गई। अब इसके बाद क्या था, इनके ऊपर ये चोटी बना देनी है। गाइज इससे हुआ क्या, हुआ क्या, कुछ भी तो नहीं हुआ। इनके ऊपर बांधना है, ठीक है। तो देखना हुआ क्या इससे, दो चोटियां बना के घूमूंगी मैं एक सर पर। अगेन गाइज एक और फेल हो गया, मुझे ना हेयर स्टाइल ही नहीं समझ आ रहा कि भाई सीन क्या है। मीनो इन द कमेंट सेक्शन आपका फेवरेट कौन सा था, मुझे पता है कौन सा होगा, वो वाला यहाँ से चोटियाँ बना के, जो इतना सुंदर इतना क्यूट हेयर स्टाइल लग रहा था मुझे, मतलब अपने ऊपर एक ही पास लगा, बाकी सारे आई वुड से मुझे अच्छे से करने नहीं आए। या तो आप अगर जैसे बहुत अच्छे से हेयर स्टाइल आपको बनाने आते हैं या फिर आप सीखे हुए हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। और आपके बाल थोड़े हैवी है, लाइक मेरे ना पतले बाल हैं, सो थोड़ा सा वो भी दिक्कत है। बट आपके अगर हैवी बाल हैं सो मे बी आपके ऊपर वर्क कर पाए। मेरे दिमाग तो होगा ही, मतलब थोड़ा क्या ज़्यादा ही होगा, मेरे में तो बिल्कुल नहीं है, मैं पता नहीं क्या ही करती हूँ, मुझे तो समझ नहीं आता। सो यार गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड इट। इट विल बी इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ यू वांट टू सी मोर कंटेंट लाइक दिस, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे फ्राइडे, बाय बाय, लव यू।